बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने सहरसा जेल में सरेंडर कर दिया है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद वो हमेशा के लिए जेल से रिहा हो जाएंगे। वहीं उनकी रिहाई को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। बिहार के पूर्व सांसद व बाहुबली आनंद मोहन बुधवार को सहरसा जेल सरेंडर के लिए पहुंचे। इसके बाद रिहाई कागजी कार्रवाई की औपचारिकता रह गई थी। इसके पहले आनंद मोहन ने गरीबों और जनतंत्र की बात की। सबको प्रणाम करते हैं। ये जनतंत्र का हिस्सा है, गरीब का क्या मैसेज होता है। बिहार सरकार की दलील है कि जेल नियमावली में बदलाव की वजह से आनंद मोहन रिहा हुए हैं। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हुआ अपने सजा काट के चला गया था। लेकिन सरकार में शामिल सीपीएम माले ने ही इस फैसले का विरोध किया है। गुरुवार को उसके विधायक पटना में धरना देंगे। लेकिन ये हमारी समझ से परे है कि जब 14 साल की सजा काटे हुए लोगों को आप रिहा कर सकते हैं, तो 22 साल की सजा काटे हुए लोगों की रिहाई क्यों नहीं हो सकती। और सरकार के इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आगामी 28 तारीख को हमारे सभी विधायक मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में धरना देंगे। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार के तमाम नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। बीजेपी के कई नेता उनके स्वागत में खुलकर आ चुके हैं। वैसे भी आनंद मोहन और उनका परिवार लंबे समय तक एनडीए में रहे। राजनीति में आनंद मोहन के धुर विरोधी रहे पप्पू यादव भी आनंद मोहन की रिहाई पर सोच समझकर बोल रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जी कृष्णैया की पत्नी आईएएस एसोसिएशन ने विरोध जताया है। लेकिन आनंद मोहन की राजपूत पहचान उनको बिहार में राजनीतिक तौर पर जरूरी बना रही है। 7 से 8 लोकसभा सीटों पर राजपूतों की निर्णायक भूमिका मानी जाती है। जब जातियों के आधार पर वोट गिने जाते हैं तो लोकतंत्र में ऐसे दृश्य सामने आते हैं। ये भारतीय राजनीति का सामाजिक न्याय है, जिसमें सब राजनीतिक मजबूरियों से बंधे हैं और आनंद मोहन आजाद हैं। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।